और अब एक बार फिर से हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 अक्टूबर से किसानों की धान की फसल खरीदने की बात कही थी, लिहाजा आज से प्रदेश भर में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। चार तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रोहतक और जींद की ये तस्वीरें हैं, जहाँ धान की सरकारी खरीद को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बात सबसे पहले यमुनानगर की करें तो यहाँ जगाधरी के SDM ने अधिकारियों के साथ मंडी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बताया कि किसानों को कोई समस्या ना हो इसके लिए किसान हेल्प डेस्क बना दिए गए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में धान की सरकारी खरीद शुरू होने पर किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। बता दें कि कुरुक्षेत्र और कैथल को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा धान इन्हीं जिलों में होता है। वहीं रोहतक और जींद में भी सरकारी खरीद शुरू होने से किसान खुश नजर आए और अपनी धान को लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे SDM ने किसानों से धान सुखाकर लाने की अपील की है और कहा है कि किसानों का एक एक दाना सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। आज से हमारी जगाधरी राज मंडी के अंदर धान की परचेज शुरू हो चुकी है और ये 15 नवंबर तक लगभग चलने वाली है। पिछले साल 8 लाख क्विंटल धान की खरीद यहाँ पे की गई थी। अब उम्मीद है कि अब की बार 7.5 लाख के आसपास धान की खरीद यहाँ पे रहेगी। इसके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनका इंतजाम किया गया है। किसानों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क लगाया गया है। इसके अलावा CCTV कैमरे से रिकॉर्डिंग आवागमन की और गेट पास की सुविधा, पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, इसके अलावा बिजली व्यवस्था, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है कि हमारे किसान भाइयों को, आढ़ती भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सब्जियों जी, आज से पूरे हरियाणा की मंडियों में जो है धान की जो खरीदारी की शुरुआत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे सर? जींद मंडी की बात की जाए, किसके इंतजाम किए गए किसानों? जी देखिए, हमारी तरफ से तो इंतजाम पूरे हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं सरकारी खरीद के लिए। और जहाँ तक खरीद की बात है, बिल्कुल सरकारी घोषणा के अनुसार 1 तारीख से हमारी धान की और बाजरे की सरकारी खरीद का जो है शुभारंभ हो गया है। हालांकि अब हमारे पास अभी PR ढेरी नहीं आई है, उसके लिए 1-2 दिन लगेंगे। अभी बाजरा हमारे पास आया हुआ है और बाजरे की खरीद हम शुरू करवा रहे हैं अभी। और हमारी तरफ से बिल्कुल प्रबंध है, पूरे हैं कि हर तरह से बिजली पानी की व्यवस्था है। हमने किसान भाइयों के लिए यहाँ पर एक कैंटीन भी सुविधा शुरू रखी है Gate No. 2 के पास, जहाँ पर 10 रुपये में उनको बड़ा ही सात्विक और शुद्ध भोजन मिलता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई जो भी मंडी में अपनी धान लेकर आए, वो धान लेकर आए, बाजरा लेकर आए, वो सुखा कर लेकर आए, साफ करके लेकर आए, ताकि उनको भी यहाँ पर आकर अपनी फसल को बेचने में कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली NCR में हर बार दिवाली से पहले वायु प्रदूषण जैसे खराब हालात बनते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं अब गुरुग्राम जिले में ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP लागू होने जा रहा है, जिसके तहत गुरुग्राम में 1 अक्टूबर यानी आज से ही DG Set के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। DG Set यानी उद्योग में डीजल से चलने वाले जनरेटर। वहीं उद्योगपतियों का कहना है कि जनरेटर सेट पर प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, इससे इंडस्ट्रियों को सीधे तौर पर नुकसान ही होगा। उद्योगपतियों ने कहा है कि अगर सरकार 24 घंटे बिजली मुहैया करवा देती है तो उन्हें DG Set लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जनरेटर के बिना आज के जो हालात हैं, इंडस्ट्री चलाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ लाइट का बार बार कट होना और कई कई घंटों तक लाइट जाना, इसलिए जनरेटर के बिना संभव नहीं है। ये फैसला मैं इसका समर्थन करता हूँ कि भाई प्रदूषण के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जीना हमने। लेकिन सरकार ने ये भी देखना है कि हमें पहले 24 घंटे लाइट की व्यवस्था करनी है, उसके बाद ये फैसला कारगर हो सकता है। तो अभी जो 1 अक्टूबर से जनरेटर का फैसला लिया है, ये गलत है। इसमें हम छूट चाहते हैं कि भाई इंडस्ट्री भी चले और दूसरे काम भी होते रहे, और जब तक सरकार और प्रशासन मिलके लाइट की व्यवस्था देने का प्रबंध करें। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे चंडीगढ़ में किस तरीके से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उसको लेकर एक खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। आप बने रहिए PTC News के साथ।